मेरा नाम राजीव मिश्रा है और मैं एक इंस्टीट्यूट के अंदर कंप्यूटर सिखाता हूँ स्टूडेंट्स को। आज मैं आपको मेल मर्ज के बारे में बताऊंगा एमएस वर्ड में। मेरे बहुत सारे लर्नर्स हैं जिनको काफ़ी प्रॉब्लम आती है मेल मर्ज करने में। इस ऑप्शन को यूज़ करने का एक बहुत आसान ट्रिक मैं आपको दे रहा हूँ। आपको करना क्या है कि आप एक लेटर का फॉर्मेट बना लीजिए। अगर आप लेटर का फॉर्मेट नहीं बना पाते हैं तो आप एक टेबल डिज़ाइन कर लीजिए। टेबल की ट्रिक मैं आपको देता हूँ। प्लस डैश प्लस डैश प्लस। तो मैं इसमें तीन कॉलम रखूँगा। यहाँ पर मैं नेम लूँगा, क्लास लूँगा और रिजल्ट पासवर्ड में दिखाऊँगा। ठीक है, एंटर। मेरी टेबल तैयार है। टैब, सो इतना काफ़ी होगा मेरे लिए। मैं इसको टाइटल दे देता हूँ, नेम, क्लास एंड रिजल्ट। टेबल को आप जितना चाहें बड़ा कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। और फॉर्मेटिंग का जो टास्क है हमारा वो हम बाद में भी कर सकते हैं, फिलहाल हम मेल मर्ज पे फोकस करेंगे। फॉर्मेटिंग आप आराम से कर लीजिएगा। अलग अलग एमएस वर्ड के वर्जन में आपको मेल मर्ज अलग तरीके से मिलता है। मैं आपको एक सिंपल टिक ऑप्शन बताऊंगा जिससे हर तरीके के वर्जन में आप एमएस वर्ड मेल मर्ज का यूज़ कर पाएंगे। आपको करना क्या है, आप मेलिंग में जाइए। मेलिंग में जा करके आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट मेल मर्ज, और यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। इस मेल मर्ज विजार्ड में पहले ऑप्शन को आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम एक लेटर बना रहे हैं, हम सिर्फ नेक्स्ट कर देंगे। हम करंट डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करेंगे इसलिए नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद हम टाइप अ न्यू लिस्ट पे जाएंगे, क्रिएट करेंगे। अगर आपको एक्सेल आता है तो आप फटाफट इसको क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो आप एमएस वर्ड से ही इसको यूज़ कीजिए। करना क्या है कि ये टाइटल्स हमें हमारे डॉक्यूमेंट के लिए नहीं चाहिए, तो आप कस्टमाइज कॉलम्स कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए इन सभी को। मैं डिलीट कर रहा हूँ इन्हें। और जो जो टाइटल आपको ऐड करना है आप ऐड कर दीजिए, जैसे कि नेम, क्लास एंड रिजल्ट। ये तीन चीज़ें मुझे ऐड करनी है। ये लिया, ओके। टाइटल यहाँ चेंज हो गया, मैं इन्हें टैब की मदद से बना रहा हूँ। आप एंटर मत प्रेस कीजिएगा, आप टैब का इस्तेमाल कीजिए। तो इस तरीके से आप रिकॉर्ड बना लीजिए, जितने रिकॉर्ड आपको ऐड करने हैं आप ऐड कर लीजिए। वीडियो को छोटा रखने के लिए मैं 4-5 रिकॉर्ड ही डाल रहा हूँ इसमें। ओके कर दीजिए। और आप इस डेटाबेस को सेव कर रहे हैं, जो रिकॉर्ड है आपके पास 4-5 स्टूडेंट्स का, वो आप रिकॉर्ड सेव कर लीजिए। जो मैंने इसको दिया सपोज स्कूल के नाम से रख दिया मैंने इसे। ये रिकॉर्ड कुछ इस तरीके से आएगा, ओके। एंड देन आफ्टर आप नेक्स्ट पे चले जाइए और यहाँ पर मोर आइटम्स आ रहे हैं, मोर आइटम्स पे जाइए, कर्सर सही जगह पे प्लेस कीजिए, नेक्स्ट ऑप्शन लीजिए और इसके बाद में यहाँ आ जाइए, लास्ट ऑप्शन ले लीजिए, क्लोज। देन नेक्स्ट कीजिए प्रीव्यू योर लेटर, लेटर पे। ये आपका प्रीव्यू है। अगर आप कुछ डिज़ाइन चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और देन इसके बाद नेक्स्ट कीजिए, एडिट इंडिविजुअल लेटर एक ऑप्शन है, इसको लीजिए, ओके कर दीजिए। सो ये आप देखेंगे आपका लेटर जो है वो अलग अलग पेजेस पे आ रहा है इस तरीके से। सो मेल मर्ज की एक और बढ़िया वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। उम्मीद है ये बहुत आसान ट्रिक आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।